अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं फरहान लाइव प्रमोशन। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब आप ठीक ठाक होंगे। मेरे बहन भाई सब आप लोग रोज़े रख रहे होंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें लूट रहे होंगे। आज जैसे कि आपको पता जुमा है और बाबरकत महीने का बाबरकत दिन है, बस दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी है। व्यूवर्स आज आपसे एक तो ये बात करनी थी कि आप लोग जब मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब किया करें, जो बहन भाइयों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे इंशाल्लाह अपनी मंजिल तय कर पाऊँगा। और दूसरा ये कि अब मैंने सोचा है कि अपने बर्ड्स के साथ साथ अपने दोस्तों के, अपने आसपास के जो भी यानी कि अच्छे अच्छे बर्ड्स या जो भी उनके मालूमात हैं आपसे शेयर किया करूँ। और इंशाल्लाह और कोशिश है कि जैसे हम जैसे कि मैं भावलपुर में रहता हूँ, भावलपुर की बर्ड मार्केट का भी विज़िट कराया जाए आपको वीकली बेसिस पे, नहीं तो जैसे मुनासिब मुझे लगा, क्योंकि उसमें ये है कि मेरे पास टाइम की बात भी है ना, जिस तरह मेरे पास टाइम होगा वीकली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते की आपको अपडेट देता रहूँ, या हफ्ते में दो दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा, इस तरह जो भी मामलात होंगे इस तरह से आपसे डिस्कस किए जाएंगे और शेयर किए जाएंगे उनके मसले मसाइल भी। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, अगर आपको बर्ड्स के मतलब किसी तरह की मालूमात चाहिए हो जो कि मेरे पास अवेलेबल होगी, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर फ़राहम की जाएगी, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ के। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना आपको नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप कहेंगे, ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ, इंशाल्लाह मैं आपको अपने बर्ड्स में अब थोड़ा सा दाना पानी उनका करना है, दोपहर हो चुकी है, तो जाकर देखते हैं क्या पोजीशन है उनकी, फिर आपसे बाकी बात होती है। तो व्यूअर्स हम पिंजरों की तरफ जा रहे हैं, तो अब बहुत अफसोस के साथ आपको दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये वो परिंदे हैं जिसको मैंने कल आपको दिखाया था, उनमें से एक पट्ठे की हालत क्या है, देखिए मरा पड़ा है, क्यों मरा पड़ा है मुझे आइडिया नहीं है, देखते हैं क्या हुआ है। ओ माय गॉड व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, नोच दिया है, माशाल्लाह हेल्थी पीस था, खूबसूरत। मैंने इनको 2-4 दिन तक अलग करना था वालदैन से, और उससे पहले एक मर गया, बाकी एक माशाल्लाह भी ठीक पड़ा है। और खैर इसको मुझे अलग करना पड़ेगा आज के दिन, उम्मीद है, क्योंकि अगर ना अलग किया कहीं वालदन फिर इनकी फेंटी ना लगाए। व्यूअर्स मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ ये मिसहैप हुआ। खैर मुझे सबसे ज़्यादा दुख है इस नन्नी मासूम जान का, ये क्यों मरा, और नुकसान तो चलो ज़िंदगी का हिस्सा है, पर ये जान जो गई है इसका बहुत मुझे दुख है। अल्लाह पाक सब्र दे मुझे भी, और इंशाल्लाह इसका मामला मुझे अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से दें, आसानी फरमाए मेरे लिए, मेरी दुआ है, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। व्यूअर्स इस काम में ऐसा होता रहता है, इसलिए परेशान नहीं होना, इससे बड़े नुकसान भी होते हैं ज़िंदगी में, हर तरह से मामलात होते हैं, पर क्या करें, माशाल्लाह ये ठीक है, बाकी माशाल्लाह सब ठीक हैं, सिर्फ हमारे इस लव बर्ड का एक इंतकाल होना था, शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर था। तो व्यूअर्स बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक मुझको भी रहमत रखे, आप पे भी रहमत रखे। व्यूअर्स ये जो परिंदा मरा है, मुझे नहीं पता किस वजह से मरा है, माशाल्लाह हेल्थी है, और मरने के बाद अक्सर जब परिंदा मर जाता है तो जो भी इसके लवाहकीन होते हैं साथ, अब तो इसके साथ वालदैन है और कोई कॉलोनी में नहीं है बर्ड, तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, पर वो नोच देते हैं। इस मामले में मैंने अब नहीं बहुत दफ़ा देखा है, मेरे पास माशाल्लाह मैंने आपको बताया 2012 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये हालत हो जाती है, वरना परिंदे को कोई इतनी बेरहमी से मारता नहीं है। बाकी व्यूअर्स आपसे ये बात करनी थी कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके पास अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। इस टाइम मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ, सैड इसलिए हूँ कि वो नन्ही जान मर गई है, बाकी नुकसान तो होता रहता है ज़िंदगी में, कोई इशू नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम नई नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आपका भाई फरहान। और फेसबुक फॉलो कीजिएगा मुझे फेसबुक पेज पे फरहान लाइव प्रमोशन के नाम से, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें,
ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।